गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात, वेलकम एंड स्वागत है सभी बच्चों का। तो कल पढ़ रहे थे हम क्या नाम से स्पर्श, और स्पर्श का पाठ था ततारा वामेरो कथा, जो लिखा था सिज मंडलोई जी ने। तो उसमें हमने पढ़ लिया था कि वामेरो और ततारा मिलते हैं, और तो वहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके आगे हम पढ़ेंगे, आप उससे आगे की बात हम करेंगे कि किसी तरह रात बीती है। वो जो आगे घर पर आकर के सो गई, और सो गई तो उसके दिमाग में, उसके हृदय में क्या नाम से ततारा ही बैठा हुआ था। ततारा के बारे में वो चिंतन उसका चल रहा था। तो किसी तरह रात बीत गई, दोनों के हृदय व्यथित थे। उधर क्या नाम ततारा भी व्यथित था और लपाती भी व्यथित थी। दोनों एक दूसरे से प्यार के में फंस गए दोनों, और क्या नाम से एक दूसरे को प्यार करने लगे। तो दोनों एक दूसरे के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। पूरा दिन भी उनका जो है बड़ा मुश्किल से निकला। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहे, लाख कोशिश की उन्होंने, उनसे दोनों ने एक दूसरे से चेहरे से ध्यान हटाने का, लेकिन ध्यान नहीं हट पाया। और क्या नाम से दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। तो इस प्रकार से पूरा दिन है उनका अच्छा नहीं गुजरा, ठीक नहीं गुजरा उनका। शाम की प्रतीक्षा थी, अर्थात दिन निकल गया है और शाम की प्रतीक्षा हो रही थी कि जाए या न जाए, वो मिलना है उससे। वो कह रही थी, उसने कहा था निकल आओगी नहीं, मैं यही इसी चट्टान पर बैठा हुआ मिलूंगा, अर्थात तुम कल आना। तो वो दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, अर्थात ततारा ने पहले कभी इस तरह की प्रतीक्षा नहीं की। ततारा के जीवन में इस तरह का इंतजार कभी नहीं हुआ। तो वो उसका जो ततारा क्या नाम वामिरो का, उसको बड़ा इंतजार था, उसकी प्रतीक्षा थी उसको ना। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। उसका जीवन बड़ा चल रहा था, शांत जीवन था, गंभीर जीवन था, एक दूसरे की मदद कर रहा था वो। लेकिन ततारा उसको, वामिरो उसको मिली, तो वामिरो मिलेगी तो क्या नाम से उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ। वह अचंभित था, आश्चर्यचकित था, क्या करे क्या नहीं करे है, साथ ही रोमांचित भी था है, रोमांच भी उसके दिल में हो रहा था। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्र स्थान पर पहुंच गया, अर्थात जैसे दिन ढलने वाला था, दिन ढलने से पहले शाम के वक्त वो चला गया और लपाती के जो समुद्र का किनारा था वहां पर जा बैठा और उसी चट्टान पर जा बैठा। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था, अर्थात वो वामिरो की प्रतीक्षा, वामिरो का इंतजार कर रहा था, और एक एक पल पहाड़ की तरह उसको लग रहा था कि वामिरो कब आएगी, वामिरो कब आएगी। तो बड़ा उसको बेसब्री से इंतजार हो रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। आशंका क्या थी, अगर वामिरो न आई तो पता नहीं क्या होगा, नहीं आई तो नहीं आई, नहीं आई तो उसको अपने मन की जो बात है उसको हमेशा उसके मन में दबा के रखनी पड़ेगी। लेकिन नहीं आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, अर्थात कुछ भी सोचते निर्णय, कोई डिसीजन वो नहीं ले पा रहा था। सिर्फ प्रतीक्षा रखता, सिर्फ वो इंतजार कर रहा था और इंतजार प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र को दे पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी, अर्थात केवल आशा ले बैठा था कि वो जरूर आएगी, उसका जरूर आना होगा इधर। वह केवल उसके पास था तो केवल यही था, केवल आशा थी, आशा की किरण थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ा था, अर्थात जो लपाती के गांव की ओर जो रास्ता आ रहा है उसी रास्ते की ओर देखता, उसी ओर नजरें दौड़ा था। अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, अब आएगी, अब नहीं आई, अब आएगी, अब आएगी, इस प्रकार से हमेशा उसका ध्यान उसकी ओर था। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। जब देखा उसने, थोड़ा अंधेरा हुआ तो नारियल के पेड़ लगे हुए थे वहां आसपास, और नारियल के झुरमुटों में, नारियल की जो पेड़ है उनके बीच में एक उसको आकृति, एक चेहरा कुछ साफ दिखाई दिया, साफ हुआ कि कोई आ रहा है। कुछ और, कुछ और, अर्थात धीरे 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 लगा कि कोई आया है, कोई आ रहा है।
उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि कोई आ रहा है और किसी को आते हुए देख करके उसकी जो खुशी थी, उसके इंतजार की खुशी थी, वो अमीरों के इंतजार की खुशी थी, उस खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सचमुच वो वामिरो ही थी, अर्थात लगा वास्तव में वो और कोई नहीं था, वो उसकी वामिरो ही थी। लगा जैसे वो घबराहट में थी और उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो घबराई हुई थी, अर्थात उसका भी चेहरा क्या नाम से उससे मिलने के लिए आतुर था, तो वो भी चली आई लेकिन लग रहा था कि वो घबराई हुई थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, अर्थात धीरे धीरे छुपते छुपते वो उसकी ओर आ रही थी, छुपाते हुए अपने आप को वो बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना भूलती थी, अर्थात आसपास देख रही कि कोई उसको देख तो नहीं रहा है, वो जो वहां आई तो कोई व्यक्ति उसको देख तो नहीं रहा है, इस प्रकार से वह इधर उधर आसपास अपनी दृष्टि को दौड़ाते हुए चली आ रही थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिटक गई। जैसे वो आई वहां पर और आकर के कह रहा मैं ततारा बैठा हुआ था, ततारा के सामने आकर के रुक गई, ठिटक गई। दोनों शब्दहीन थे, अर्थात न ततारा कुछ बोल रहा था न वो कुछ बोल रही थी, दोनों ही शब्दहीन, दोनों के पास कोई शब्द नहीं थे बोलने को। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, अर्थात जो भी था, जो भी उनके अंदर चल रहा था, उनके हृदय में चल रहा था, लेकिन मुंह पर कुछ कोई शब्द उनके नहीं निकल रहे थे। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, अर्थात वो उसको देख रहा था, वो उसको देख रही थी, और इस प्रकार से जाने कितनी देर तक वो खड़े रहे वहां पर। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, और सूरज भी जो है जो क्या नाम से समुद्र की लहर है उनमें डूब गया था, खो गया था, यानी अंधेरा हो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था, अंधेरा हो रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई, अर्थात देखते हैं कि एकाएक जो वामिरो है वह कुछ सचेत हुई, सावधान हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी, अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वही खड़ा था, निश्चल शब्दहीन, और ततारा जो उसको देख रहा था वही का वही खड़ा हुआ था, न कोई बोल रहा था, निःशब्द, न कोई शब्द था उसके पास, और क्या नाम से निश्चल, न हिले डुले बिना उसको देखते हुए वही का वही वो खड़ा हुआ था, निःशब्द शब्दहीन मौन होकर देख रहा था उसको, और बामिरो क्या नाम से अपने घर की ओर दौड़ते हुए आ गई। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तियों एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते, अर्थात अब आज का काम नहीं है, रोज का काम हो गया उनको, और दोनों वहां आते, दोनों एक दूसरे को देखते निर्निमेष, एक टक, एक पल, बिना पल के झपकाए हुए एक दूसरे को वहां पर सावधान होकर खड़े रहते और एक दूसरे को देखते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनुरोध करा था, भीतर एक दूसरे के प्रति त्याग था, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना थी, जो क्या नाम से अनुरोध करा रहा था, जो उनके बीच में अंदर उनके हृदय में बैठ गया था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया था, जो अन्य जो गांव के लोग थे, अन्य जो युवक थे, उन्होंने चीज देख ली, उनको पता लग गया कि इस प्रकार से वामिरो और लपाती शाम के वक्त क्या नाम से समुद्र किनारे जाते हैं और मिलते हैं, और एक दिन में ये रोज का काम हो गया है, तो वहां के लोगों ने वो चीज भांप ली थी, जान गए थे वो, और खबर हवा की तरह बह उठी। जो युवाओं ने देखा तो उन्होंने अपनी पूरी खबर है पूरे गांव में आसपास फैला दी कि इस प्रकार से वामिरो और लपाती वहां पर जाते हैं, मिलते हैं और खड़े रहते हैं। वामिरो लपाती गांव की थी, अर्थात वामिरो जो था थी उसके गांव का नाम था लपाती, और ततारा पाशा का था, ततारा जो दूसरा गांव था उसके गांव का नाम था पाशा, तो एक तो पाशा का था, एक लपाती का था, हालांकि दूर नहीं था, समुद्र बीच में आ रहा था, दोनों के बीच में थोड़ा ही डिस्टेंस था, थोड़ा ही दूरी थी वहां पर, लपाती और पासा, अर्थात वामिरो वहां की थी, लपाती की थी, और ततारा पासा गांव का था। दोनों का संबंध संभव न था, अर्थात दोनों का मिलना, दोनों का संबंध, दोनों की शादी ब्याह होना भी संभव नहीं था, क्योंकि वहां के गांव में इस प्रकार से ईर्ष्या, इस प्रकार से यूं कहें कि नियम था कि कोई भी एक दूसरे से गांव का एक दूसरे से शादी नहीं करेगा, जो भी शादी होगी, बातचीत होगी, जो भी कार्यक्रम होगा उसी गांव के लोगों के साथ होगा,
जो भी बात करेंगे युवा, वो उसी गांव के युवाओं से युवतियों से बात करेंगे, दूसरे गांव के युवा और युवतियों से बात नहीं कर पाएंगे। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था, अर्थात परंपरा के अनुसार, रीति के अनुसार अगर शादी हो भी जाती तो उनके लिए दोनों को एक गांव का होना जरूरी था। जब एक गांव का नहीं है, शादी नहीं हो सकती, तो कैसे संभव था। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास किए गए, कई प्रयास हुए, दोनों को समझाया, उसको भी समझाया, इसको भी समझाया। वामीरो को भी समझाया कि भाई तुम्हारी शादी इस प्रकार से नहीं होगी। ततारा को भी समझाया, आप समझ जाएं बात को, आप उससे मिलना जुड़ना बंद कर दें। लेकिन किंतु दोनों अड़िग रहे, लेकिन दोनों ही शादी करने के लिए, दोनों ही मिलने के लिए, दोनों ही के नाम से आजीवन एक दूसरे को के होने के लिए अड़िग रहे, तत्पर रहे, उनके कोई बदलाव नहीं आया। वे नियमित लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे, वो रोजाना शाम के टाइम उसी जो समुद्र का जो किनारा है वहां पर मिलते और वह आपस में एक दूसरे को देखते रहते। अफवाहें फैलती रही और इस प्रकार से उनके प्रेम की जो अफवाह है, उनके प्रेम की जो खबर है, वो पूरे इलाके में और दोनों के गांव में फैल गई थी। महाराष्ट्र में वामीरो लपाता की कथा कुछ समय बाद, थोड़े दिन के समय की बात है, उसके पश्चात वहां पर जो पाशा गांव था, किसका गांव था, पाशा उसका क्या नाम से ततारा गांव था, नहीं वो हाँ ततारा का गांव था पाशा। तो पाशा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु होता है जानवरों का मेला लगना है, जहां पर तरह तरह के जानवर आते हैं, वो बिक्री होती है, शाम को क्या नाम से मनोरंजन होता है, जिसे हमारे दशहरा बढ़ता है, और दशहरे में क्या नाम से शाम को अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो वही तरह का कार्यक्रम वहां पर हो रहा था। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, अर्थात पशु होते हैं जानवर, और जानवरों का पर्व जो वहां पर शुरू हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है, अर्थात हष्ट पुष्ट अच्छे मोटे तगड़े जानवर वहां पर आते हैं, उनका प्रदर्शन होता, और उनके साथ साथ जो युवक है उन युवकों का प्रदर्शन भी, शक्ति प्रदर्शन भी वहां पर पशुओं के साथ होता। वर्ष में एक बार सभी गाँव के लोग हिस्सा लेते हैं, अर्थात उस मेले के अंदर वर्ष में जब एक बार लगता है तो उस गांव में के सभी लोग उस मेले में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, शाम को भी प्रोग्राम में जो होता है उसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है, शाम को जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के पश्चात, खत्म होने के पश्चात, और भोजन का क्या भी व्यवस्था की जाती है, नृत्य संगीत होता है, नाच गान होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, इस प्रकार से आजकल हर जगह मेलों में होते हैं, उस प्रकार से वहां भी दिन भर मेला होता पशुओं का, और शाम को क्या नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वहां पर खान पान का आयोजन भी होता। शाम के से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे, अर्थात जैसे शाम हुए प्रोग्राम देखने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए, वहां आसपास के लोग एकत्रित होने लगे, इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए, इस प्रकार से वहां पर अलग अलग अनेक कार्यक्रम जो समारोह है वो वहां पर शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक नहीं था, ततारा भी उसमें पर्व में गया, उसका तो ध्यान केवल वामीरो को था, उसकी तो आंखें केवल वामीरो को देख रही थी, तो वो कार्यक्रम में जो वहां चल रहे थे उन पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी, अर्थात उसकी तो आंखें केवल वामीरो को तलाश रही थी कि वामीरो कहाँ है, किधर है, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, इस प्रकार से वो वामीरो को ही ढूंढ रहा था। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा, जब देखा उसने तो एक नारियल का पेड़ था, उस पेड़ के क्या नाम से पीछे कोई व्यक्ति उसकी ओर नजर दौड़ा रहा है, उसको देख रहा है, उसको ढूंढ रहा है, उसको झांक रहा है। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, वामीरो उसके पास गया और उसको देखा, पहचाना कि वास्तव में ततारा है या नहीं है, वामीरो है या नहीं है, ततारा उसके पास गया और उसको पहचानने की चेष्टा की,
उसको देखना, उसको पहचानने का प्रयास किया। वह वामिरो थी जो भय व सामने आने में झिझक रही थी, है वो पेड़ के क्या नाम से जो नारियल का पेड़ था उसकी के बगल में उसकी साइड में जो खड़ी थी वो वामिरो थी, और वामिरो क्या नाम से भय के कारण सामने आने में झिझक रही थी कि वो जाए या ना जाए, कोई देख ले उसको पहचान ले तो लफड़ा हो जाएगा। उसकी आंखें तरल थी, अर्थात उसकी आंखों में क्या नाम से आंसू से आ रहे थे, हौट कांप रहे थे, और डर के मारे भय के मारे उसके जो हौट है वो कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे ततारा उसको दिखाई दिया, ततारा को देखते ही वो जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगी। ततारा विहल उठा, ततारा भी उसको देख करके व्याकुल हो उठा, विहल हो उठा, है ये क्यों रो रही है। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, अर्थात वह कुछ कह नहीं पा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो भी प्रेम में प्यार में व्याकुल था। है रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी, जो जो रो रही थी वो जिस प्रकार से रो रही थी तो उसके रोने की आवाज है लगातार ऊंची होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। ततारा किम कर्तव्य मूड था, क्या करे क्या नहीं करे, किम कर्तव्य मूड होता है कि व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो जाता है कि क्या करे क्या नहीं करे, उसको बना करे, उससे को बोले कि रो मत है या कहे कि रो, इस प्रकार से कुछ भी नहीं करने की स्थिति में ततारा था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची, जैसे वामिरो का की आवाज उसने सुनी उसकी माँ ने, तो उसकी माँ भी वहां पर पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी, दोनों को ततारा और वामिरो को देख करके और आग बबूला यानी आग बबूला गुस्से में हो गई है, आग बबूला मुहावरा है, तो वो गुस्से में हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में दृश्य उसे अपमानजनक लगा, जब गांव वाले वहां पर देख रहे थे और उन दोनों को देख रहे थे तो उन दोनों को देखना उसके लिए बड़ा अपमान होना था कि देखो उसकी बेटी क्या कर रही है, तो उसको बड़ा अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए, अर्थात गांव के जो कुछ लोग हैं उन्होंने देखा और वो भी वहां पर जा पहुंचे। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी, अर्थात उनको जब देखा दोनों को तो कहा वामिरो की जो माता है माँ है वो क्या नाम से क्रोध में गुस्से में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया, ततारा जो था उस ततारा को उसने शब्दों से गुस्से में क्या नाम से अपमान किया उसका। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगी और उसके साथ साथ उसके जो गांव के लोग हैं वो भी क्या नाम से उसके विरोध में आवाज उठाने लगे, क्यों जानते थे कि वे इस तरह का प्रेम, इस तरह की शादी, इस तरह की बातचीत एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से नहीं करते हैं, शादी संबंध दूसरे गांव में नहीं हो पाता है और ये कर रहे हैं, ये परंपरा के विरुद्ध कर रहे हैं, तो ये सुन करके गांव के लोग, ये जान करके गांव के लोग भी उसका साथ देने लगे, वो भी उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था, ततारा भी उसको सहन नहीं कर पा रहा था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी, अर्थात वामिरो का रोना भी लगातार चल रहा था, अब भी रो रही थी। ततारा में भी गुस्से में भर उठा, ततारे को गुस्सा आया और गुस्से में भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोध था, है उसको दुख था कि ये कौन सी परंपरा है कि एक गांव के लोग दूसरे गांव में शादी ब्याह नहीं कर पाते, तो इस पर उसको बड़ा दुख था, बड़ा शोक था उसको। वही अपनी असहायता पर खींच, अर्थात वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा, इस पर उसको गुस्सा भी था, खींच भी थी उसके अंदर। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था, अर्थात वामिरो जो रो रही थी उसका दुख है उसको और आगे बढ़ा रहा था, रो रहा था, तो वो क्या नाम से गुस्सा हो रहा था उसको। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए, कि वो सोच रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, किस तरह कदम उठाएं किस तरह कदम न उठाएं, क्या करना चाहिए। एकाएक जब उसका ध्यान गया, अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका, जो तलवार उसके साथ उसकी वेशभूषा के बगल में दबी रहती थी उसकी मूठ, जो उसका मूठ होता है जो पकड़ने का पुप्पर का हिस्सा डंडा, उस पर जा पहुंचा जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा, गुस्सा आ रहा था,
उसको, और गुस्से गुस्से में उसने तलवार खींच ली, तलवार उठा ली, तलवार खींच करके क्या नाम से कुछ विचार किया उसने ना, क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था, और उसका जो गुस्सा है, उसका जो क्रोध है लगातार बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, देखा कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि तलवार के बारे में सबने सुन रखा था कि वो लकड़ी की तलवार थी, लेकिन तलवार में भी क्या नाम से कुछ चमत्कार, तलवार थी, कोई देवी शक्ति थी, कोई ऐसी शक्ति थी, पता नहीं कौन सी शक्ति थी, है क्या कर उठे वो। तो इस प्रकार से वो जान करके और लोग भी क्या नाम से सहम गए। एक सन्नाटा सा खींच गया सारों, और जब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो चुप हो गए और शांति सी हो गई है, सब सहम गए। एक सन्नाटा सा खींच गया था, चुप्पी वहां पर आ गई। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का समन करने के लिए उसने शक्ति बल उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। जब उसको कोई चीज उसको दिमाग में नहीं आई तो तलवार को निकाली, तलवार को निकाल करके जमीन में गाड़ी और जमीन में गाड़ करके गुस्से में वो खींचता हुआ चला गया, है खींचने लगा उसको। वह पसीने से ना उठा, अर्थात उसको गुस्से में पसीना आ रहा था, क्रोध आ रहा था, और क्रोध में साथ साथ उसको पसीना भी आ रहा था। सब घबराए हुए थे, सारे लोग वहां के जो देख रहे थे सब घबराए गए कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। वह तलवार को अपनी और तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया, अर्थात तलवार को जमीन में गाड़ करके और उसको खींचते खींचते बहुत दूरी तक आगे तक वो निकल गया, पहुंच गया। वह हांप रहा था, अर्थात वो क्या नाम से हांप रहा था अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी, जहां तक उसने लकीर खींच, जहां तक लकीर खींचता हुआ पहुंचा हो, वहां एक दरार होने लगी, वहां बड़ी सी दरार, बड़ा सा छेद, वहां बड़ा सा भाग होता गया, मानो धरती दो टुकड़ों में बटने लगी हो, और ऐसा लग रहा कि जमीन दो भागों में, दो हिस्सों में बट रही हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी, एक आवाज आई, गड़गड़ाहट सी गूंजी, क्योंकि जब तलवार थी और तलवार ने जो उसने खींचा तो दरार सी हो गई, और दरार यानी दो भागों में जमीन बट गई, तो उसकी आवाज होने लगी, और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। जैसे जैसे वो पहुंचा आगे तक, वहां तक धरती फटती हुई, दरार पड़ती हुई चली गई। द्वीप के अंतिम सिरे तक तारा धरती को मानव क्रोध में काटता जा रहा था, अर्थात सुक्रोध तो आ रहा था, और क्रोध में क्या नाम से उस तलवार से धरती को काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे, अर्थात सभी भय में व्याकुल, सब डर गए सारे लोग। लोगों ने ऐसी दृष्टि कल्पना नहीं की थी कि कभी ऐसा हो जाएगा, ततारा ऐसा कर देगा, उसकी तलवार ऐसे चलेगी तो जमीन के भी दो हिस्से हो जाएंगे, ऐसी कल्पना, ऐसी भावना उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। वे सिहर उठे, घबरा गए। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती ही हुई दौड़ रही थी, अर्थात उधर वामिरो भी उसके पीछे पीछे जा रही थी दौड़ती हुई, आवाज लग रही थी उसको, ततारा 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 ततारा, आगे चला जा रहा था। ततारा उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई, अर्थात जो आवाज आ रही थी, जो धरती फटी जा रही थी, उसकी आवाज में उसकी चीख भी डूब गई थी। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, ततारा बहुत आगे निकल गया था, द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ जैसे अंतिम छोर पर पहुंचा, जैसे उसका आखिरी छोर था वहां तक गया, दीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया है। वो जो उसका दीप था, एक ही दीप था पहले, अंडमान निकोबार, लिटिल अंडमान, तो वो दो भागों में बट गया, दो हिस्सों में हो गया, वो विभक्त हो गया। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। एक तरफ तो क्या नाम से उस कोने में ततारा पहुंच गया, और इस तरफ वामिरो। जैसे ही होश आया ततारा को, जैसे ही होश आया ततारा, जैसे ही होश में आई तो उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धसने लगा है, और वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई है। वो कूदी और कूद करके उस ओर जाना चाहा, लेकिन वो कूद नहीं पाई, और बीच में उसकी जो पकड़ है जो ढीली हो गई, और
वह नीचे की तरफ फिसलने लगा है, वह भी क्या नाम से नीचे की ओर फिसलने लगा, गिरने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था, जहां समुद्र की सतह है उसकी ओर जा रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर रहे डूब रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो, अर्थात वो केवल कुछ नहीं उसी का नाम ले रहा था, वामिरो 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 उसको पुकार रहा था। उधर वामिरो भी ततारा ततारा ता तारा तारा पुकार रही थी, और वामिरो भी उसके नाम को पुकार रही थी, एक दूसरे के नाम को दोनों आपस में पुकार रहे थे, एक कर रहा था ततारा ततारा, एक कर रहा था वामिरो वामिरो। ततारा लहू लुहान हो चुका था, ततारा खून में हो गया था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा, अचेत हो गया, बेहोश हो गया, और थोड़ी देर बाद उसका होश भी गायब हो गया। वह कटे हुए दीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जहां पर दीप था उसका अंतिम क्या नाम से भूखंड था, वहां पर उसकी देह पड़ी हुई थी जो कि दूसरे हिस्से से संयोग जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहां पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, अर्थात पानी बह रहा था, पानी बह करके कहाँ गया, उसका क्या हुआ, इस बात को कोई नहीं जानता, कोई आज तक नहीं समझ पाया। इधर वामिरो पागल हो उठी, इधर वामिरो भी क्या नाम से ततारा के प्यार में और ततारा की अफसोस में पागल हो गई। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती, वो वहां जाती और ततारा को देखती ढूंढती और उसी स्थान पर जाकर के बैठ जाती, लेकिन वहां ततारा नहीं था, ततारा आगे चला गया था। उसने खाना पीना छोड़ दिया है, उसकी याद में उभटकने लगी, उसकी याद में क्या नाम से रोने लगी, और खाना पीना जो भी उसने उसका छूट गया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई और अपने परिवार से भी अलग ही हो गई। वह लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु कोई सुराग नहीं मिला है, लोग ने उसको ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल पाई है। आज न ततारा है वहां पर, न वामिरो है, किंतु उनकी ये प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। आज भी वहां के घर घर में ततारा और वामिरो को जानते हैं और कहानी के रूप में ऐसे एक दूसरे को सुनाते हैं। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, दूसरा जो वो बना द्वीप बना वो लिटिल अंडमान के नाम से जाना जाता है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। जो कार निकोबार जो अलग द्वीप है उससे 96 किलोमीटर की दूरी पर वह स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। जब ये घटना हो गई, इस तरह का खेल हो गया, तब क्या नाम से वहां के लोगों में प्रेम भाव बढ़ा और एक दूसरे गांव के एक दूसरे युवाओं से वहां पर गांव के युवाओं से शादियां भी होने लगी, संबंध भी होने लगे। ततारा वामिरो की त्याग में एक मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी, अर्थात जो ततारा वामिरो का जो मृत्यु हुई, जो क्या नाम से उन्होंने त्याग दिया, वो त्याग किया, अपना बलिदान किया, वो शायद इसी सुखद इसी अच्छाई के लिए इसी परिवर्तन के लिए थी। तो इस प्रकार से ये ततारा वामिरो की प्रेम कथा संपन्न हुई। ऐसे ने आपने देखा कि कोई भी अच्छी चीज होती है वो अच्छी चीज किसी के बलिदान को मांगती है, त्याग को मांगती है, और यहाँ पर क्या नाम से ततारा और वामिरो ने एक दूसरे का त्याग किया, बलिदान किया, और उस बलिदान का सुखद परिणाम है कि आज वहां पर एक दूसरे गांव में शादियां होती है, अंडमान निकोबार और लिटिल अंडमान जो है वो इसी के वह है। तो ये आपकी ये कहानी पूरी हो गई है। इस कहानी के कुछ प्रश्न भी है, वो प्रश्न भी आप देख लें, छोटे छोटे प्रश्न है तो मैं आपको सुनाता हूँ बताता हूँ। लोग ततारा के करीब क्यों रहना चाहते थे, अर्थात वहां के जो लोग है वो ततारा के करीब क्यों रहना चाहते थे, क्योंकि ततारा बड़ा आत्मीय व्यक्ति था है? ततारा करीब इसलिए रहना चाहते थे, आप कैसे लिखेंगे कि वहां के लोग ततारा के करीब इसलिए रहना चाहते, क्योंकि वह मुसीबत में सबकी सहायता करता था और उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही वह आत्मीय स्वभाव का भी था है? इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ततारा समुद्र तट पर किस लिए आया था, ततारा समुद्र का तट पर किस लिए आया था, ततारा समुद्र तट पर दिन भर के अथक परिश्रम के बाद अपनी थकान मिटाने के उद्देश्य से आया था ताकि शांति अनुभव कर सके है। पूरा दिन भर काम करता, जो भी काम करने के पश्चात जो थकावट हो जाती है उसको, और उस अथक परिश्रम जो करता है, मेहनत करता है, और शाम को क्या नाम से अपनी थकान को मिटाने के लिए
सभी जाते हैं, वो भी इसी हिसाब से वहां पर आया था। वामिरो ततारा को क्यों भूलना चाहती थी, अगला प्रश्न होगा, वामिरो ततारा को क्यों भूलना चाहती थी। वामिरो ततारा उसलिए भूलना चाहती थी क्योंकि वह दूसरे गांव का युवक था। गांव का नियम था कि उनको उनकी बिरादरी में अन्य किसी गांव के युवक के साथ विवाह संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर उसके क्या नाम से जो दूसरे गांव का युवक है उससे शादी संबंध नहीं हो सकता, इसलिए उसको भूलना चाहती थी। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, वामिरो और ततारा के हृदय व्यथित क्यों थे, अर्थात वामिरो ततारा दोनों के हृदय व्यथित थे क्योंकि दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, दोनों एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। क्रोध में ततारा ने क्या किया, क्रोध में ततारा ने क्या किया, क्रोध में ततारा ने अपनी तलवार को धरती में घोंप दिया और फिर उसे अपने ओर खींचते खींचते किनारे तक ले गया। उसके इस प्रहार से धरती फट गई और द्वीप दो टुकड़ों में बट गया, अंडमान निकोबार और लिटिल अंडमान दो भाग हो गए उसके। ततारा वामिरो कथा किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा, तो इसका है ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कथा है। वह लोक कथा, ये लोक कथा ततारा नामक युवक और वामिरो नामक युवती की प्रेम कथा पर आधारित है, अर्थात ये जो कहानी है वो क्या नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र की है और ये लोक कथा ततारा और वामिरो नामक युवती की प्रेम कथा पर आधारित है। समुद्र तट का प्राकृतिक वातावरण कैसा था, समुद्र तट का प्राकृतिक वातावरण हमने देखा वो बहुत अच्छा था, सुंदर था। देखें क्या लिखना आपको, शाम का समय था, समुद्र का तट था, समुद्र में ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे थे, पक्षियों की चहचहाट भी धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी, अस्त होता सूरज अपनी तरंग बिरंगी किरणों से समुद्र के जल को रंगीन बना रहा था, इस प्रकार का था। दोबारा सुने इस प्रश्न का उत्तर, कि शाम का समय था, समुद्र किनारे समुद्र का तट था, समुद्र से ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे थे और पक्षियों की चहचहाट धीरे धीरे कम होती जा रही थी, अस्त होता हुआ सूरज अपनी रंग बिरंगी किरणों से समुद्र के जल को रंगीन बना रहा था, ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न जैसे पूछे आपसे कि समुद्र किनारे बैठे हुए ततारा और ततारा की तंद्रा कैसे टूटी, तंद्रा जो बताया मैंने जो पूरी नींद आती है और नए आदमी को पूरा चेतन होता है उसी स्थिति को तंद्रा कहते हैं। तो ततारा वामिरो का मधुर स्वर सुनकर सुदूत खोए बैठा था कि अचानक समुद्र की तरंग से उसकी तंद्रा टूट गई, तो राई तो उसने अपना होश संभाला। वामिरो के मन में ततारा की कैसी मूर्ति आती थी और क्यों, वामिरो ततारा के बारे में क्या सोचती थी, किस प्रकार की मूर्ति देखती थी और क्यों, तो इसका उत्तर है वामिरो के मन में ततारा की प्रेम से झलकती हुई मूर्ति आती थी। है जब ततारा ने वामिरो को प्रेम पूर्वक माफ करने, नाम बताने, अगले दिन फिर से आने की याचना की, तो वही शक्ल वही मूर्ति ततारा के दिमाग में आ रही थी, वामिरो के दिमाग में मन में आ रही थी। ये हो गया। और अगला क्वेश्चन जैसे पूछेंगे कि प्रेम रूढ़ियों का बंधन नहीं मानता, प्रेम जो है वो रूढ़ियों का बंधन नहीं मानता, रूढ़ियां होती नहीं जो क्या नाम से समाज के अंदर ऐसी बातें उनको मानते हैं, ततारा वामिरो कथा के आधार पर सिद्ध कीजिए, तो किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना, किस प्रकार से इसका उत्तर देना, उस उत्तर को ध्यान से सुने। उत्तर लिखेंगे, ये कथा इस बात को सिद्ध करती है कि प्रेम को रूढ़ियों में बांध कर नहीं रखा जा सकता, प्रेम किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता। ततारा और वामिरो का प्रेम स्वाभाविक था, है ऐसा नहीं था कि वो क्या नाम से हो जाता देखते देखते, ऐसा नहीं था, उनका प्रेम था क्या नाम से स्वाभाविक था। गांव के बाहर के अन्य किसी युवक से प्रेम न करने का बंधन उनके विवाह के मार्ग में बाधा बन जाता था, जिसे वे दोनों नहीं जानते थे, नहीं मानते, जानते क्या, वे अपना बलिदान देकर उस रूढ़ी को चुनौती देते हैं। उनका बलिदान समाज के लोगों को सोचने पर विवश कर देता है और अंततः बंधन टूट जाता है, इस प्रकार से आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जैसे पूछा है कि ततारा और वामिरो परस्पर मिलने पर निःशब्द क्यों रह गए,
दूसरी बार मिले हुए आपस में, तो दोनों मौन थे। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? प्रश्न क्या है कि वामीरो और ततारा परस्पर मिलने पर निशब्द क्यों रह गए? वामीरो और ततारा का प्रेम बहुत गहरा था, वे उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उनके पास कोई ऐसा शब्द नहीं था जिससे वे अपने मन के भावों को प्रकट कर पाते। उनके दिलों ने ही एक दूसरे को प्रेम की सच्चाई का विश्वास दिलाया। अपने भावों को प्रकट करने के लिए शब्द न होने पर वे मौन रहकर एक दूसरे को निहारते रहते थे। इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ततारा अपनी कमर में सदैव तलवार क्यों बांधे रखता था? ततारा हमेशा, उत्तर लिखना है आपको, जैसे ततारा हमेशा अपनी कमर में तलवार बांधे रखता था। उस तलवार में अद्भुत शक्ति थी, यद्यपि वह लकड़ी की बनी हुई थी तथापि उसमें विलक्षण शक्ति थी। वह कभी किसी के सामने उसका उपयोग नहीं करता था। शायद वो तलवार सामाजिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए थी, जिसका उपयोग वह सबके हित में करता था जब सामाजिक मर्यादा पर आँच आने वाली थी। ये उत्तर हो गया इसका। निकोबारी जनजाति की अंतिम आदिम संस्कृति को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। निकोबार के जो आदिम, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी जो संस्कृति है उसके बारे में आप बताएंगे। तो प्रश्न आ जाता है, कैसे प्रश्न आता है कि निकोबारी जनजाति की अंतिम आदिम संस्कृति को अपने शब्दों में वर्णन करें। निकोबार द्वीप समूह निकोबारी जाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबारी जनजाति की संस्कृति में एक गांव के युवक या युवती की शादी दूसरे गांव में नहीं हो सकती। प्रत्येक वर्ष पशु पर्व में पशुओं के साथ युवकों का शक्ति प्रदर्शन होता, जिसमें सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। नृत्य संगीत के साथ भोजन का आयोजन भी होता था। इस प्रकार से वहां की संस्कृति है। ततारा वामीरो कथा क्या संदेश देती है? अंतिम प्रश्न है इसका, आखिरी प्रश्न तो नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि ततारा वामीरो कथा क्या संदेश देती है? कि ततारा वामीरो कथा मानवीय संबंधों को स्थापित करने वाली रोचक प्रेम कथा है। ये एकता और आत्मीय का संदेश भी देती है। सीमाएं मनुष्य के दिलों को नहीं बांट सकती। प्रेम स्वाभाविक सत्य है। मनुष्य का मनुष्य से प्रेम होना स्वाभाविक है। मानव जाति को प्रेम संबंध के मध्य किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है। प्रेम बांटने वाली भावना है, विनाश का कारण बन सकती है। व्यर्थ की रूढ़ियों को अपने हृदय में स्थान न दें, क्योंकि ऐसा करने पर भयानक परिणाम हो सकते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, ततारा ने वामीरो से बार बार एक ही आग्रह क्यों किया? ततारा ने वामीरो से बार बार पूछा ना, गीत गाओ क्यों किया? तो ततारा ने वामीरो ने बार बार एक ही आग्रह इसलिए किया क्योंकि वह अपने शुद्ध बुद्ध खो चुका था। वह वामीरो के मधुर गीत में इतना खोया हुआ था कि वामीरो के दूसरे सवाल सुन ही नहीं सका। इसका उत्तर इस पर लिख देंगे। और एक प्रश्न और देखें इसका, जो आराम से वह है कि वामीरो और ततारा शादी के बंधन में क्यों नहीं बन सके? पूरा पाठ का जो सार हमने पढ़ लिया उसी भी आपको याद है, तो फिर भी आप देख लें इसको। इसका उत्तर जो है, उत्तर लिखेंगे कि वामीरो और ततारा अलग अलग गांव के रहने वाले थे, दोनों एक गांव के नहीं थे। असीम प्रेम के बाद भी दोनों के शादी के बंधन में न बन सके, क्योंकि गांव का नियम था कि कोई भी लड़का लड़की दूसरे गांव का लड़के लड़की से साथ शादी संबंध नहीं बना सकता था। दोनों ने शादी न करने करके मृत्यु का वरण किया और इस रूढ़ी को समाप्त किया। उनकी मृत्यु के पश्चात इस नियम को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया, अर्थात वहां पर कंटिन्यू बराबर शादियां होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न है इसके, और पाठ पूरा हो गया, प्रश्न पूरे हो गए, तो हम आपसे विदा चाहते हैं।